गैस स्टेशन से गैस डलवानी है क्योंकि यहाँ सस्ती पड़ती है, तो यहाँ भाई बचत करनी पड़ती है। 5 सेंट 10 सेंट जितने भी बचे बचाने चाहिए, डॉलर है ना, डॉलर को कन्वर्ट करो तो सांस चली जाती है। वाह देखो 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 कितना खौफनाक है। ग्रोसरी थोड़ी सी लेने के बाद अब आए हैं हम वॉलमार्ट में। यहाँ बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो उनके जितनी भी स्टेशनरी और सिलेबस के जो किताब हैं वो सारे यहाँ से मिलेंगे। बच्चों की इतनी सारी चीज़ें हैं ना, सर घूम जाता है कि कौन सी चीज़ लेनी है। ये है हमारा छोटा सा सेटअप। अब इसमें एक चेयर आनी है और एक वॉल सजनी है, इसके साथ लाइटिंग होनी है और ये सारा थीम चेंज होना है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? बारिशों का मौसम ख़त्म, अगले कई दिनों तक सख्त धूप होने वाली है और हमारे घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया है, वो भी लेना है। और इसके साथ आज मेरे जो स्टूडियो है, स्टूडियो तो प्रॉपर तो नहीं लेकिन उसका सामान भी आने वाला है। थोड़ी देर में अमेज़ोन से एक अच्छी टेबल आ जाएगी, वो भी अनबॉक्स करके दिखाऊँगा। इसके साथ फिर 2 दिन के बाद एक चेयर आएगी, चेयर भी दिखा दूंगा। और ये सब जो है YouTube की अर्निंग से कर रहा हूँ ताकि एक प्रॉपर सेटअप हो जाए जहाँ मैं बैठ के काम कर सकूँ और वीडियो एडिटिंग से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग तक सब चीज़ें आराम से हों। तो ये आएंगी जैसे ही चीज़ें तो वो दिखा दूंगा। और अभी जा रहे हैं बाहर, बाहर जाके हमें कुछ सामान लेना है, पानी वगैरह ख़त्म हो चुका है, हाल भी बुरे हैं, तो फिर तैयार होके फिर मिलेंगे वीडियो में। कास्को के गैस स्टेशन से गैस डलवानी है क्योंकि यहाँ सस्ती पड़ती है हमें, तो अभी गैस डलवाएंगे और उसके बाद फिर बाकी सामान लेना है। पेट्रोल बिल्कुल ना ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने सोचा अभी डलवा दूं। और यहाँ बचत होती है यार, बहुत फ़ायदा होता है अगर मेंबरशिप लेके हम यहाँ गैस वगैरह डलवाते हैं ना, तो हमारी कुछ पॉइंट्स बनती जाती हैं और कुछ सेंट का फ़ायदा होता है, बाहर जो है ना वो थोड़ा नुकसान होता है हमारे को। तो यहाँ भाई बचत करनी पड़ती है, 5 सेंट 10 सेंट जितने भी बचे बचाने चाहिए, डॉलर है ना, डॉलर को कन्वर्ट करो तो सांस चली जाती है। पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से सोचते हैं ना कभी कभी। यार नेचर है, नेचुरल है, ये आप कर सकते हो। देखो मैं जब भी जाता हूँ ना तो हम सोचते हैं कि यार ये 10 सेंट कितने में बनेंगे, 5 सेंट कितने में बनेंगे, ये होता है यार, नेचुरल है। और निकलेंगे आगे जाके पानी ले लेंगे। अब देखें माइलेज कितनी आती है, 405 माइल। वाह सही माइलेज आई है, बावजूद इसके कि इसका टैंक छोटा है लेकिन माइलेज सही है। अब पानी लेना है बेटा, तो चलें आ जाए मेरे साथ। ख्वातीनों हजरात हम आ गए। ये देखें एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग इस तरह की गाड़ियों में आके और छोटे छोटे जो इनके क्या कहेंगे साइन बोर्ड हैं वो लगाते हैं, इनको बिल बोर्ड कहते हैं या कुछ और, फ्लेयर टाइप का होता है छोटा सा हल्का, बस ज़मीन में गाड़ना होता है। इसका भी अच्छा खासा बिजनेस है। आज पार्किंग ही पार्किंगें मिल रही हैं हमें, तो द रीज़न इज़ कि सुबह का टाइम है और द रीज़न इज़ कि हम आज जल्दी आए हैं तो हम पानी लेके भागेंगे। और मेरे साथ मेरी छोटी भी है। आजा आजा ये बैग रखें इधर, बैग रखें, हाँ बैग रखें। तो अभी फटाफट चल के अंदर से पानी भर लेते हैं। पानी के 3 कैन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने ट्रॉली भी अपनी गाड़ी के करीब से ही ली क्योंकि वहाँ ही ट्रॉली रखने का स्टेशन बनाया हुआ है। और अब जो है जल्दी जल्दी सामान लेना है भाई, धूप इतनी है कि कल की याद आ रही है। ये बादल हमसे थोड़े दूर चले गए, करीब आ जाए ना, छतरी बना दे। पहले ही हमारा रंग माशाल्लाह इतना गोरा और ऊपर से धूप। ये है राइड ले रही है, मज़े कर रही है हमारी छोटी। वाह अरे वाह वो देखो माम कितना बड़ा खौफनाक मुजस्मा रखा है। क्या है ये, वॉल्फ है क्या या एलियन है? ओ वाह देखो 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 कितना खौफनाक है। उई हुई चले
इन्होंने गिर ना जाए। अच्छा 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 ये सारी चीज़ें ली हैं तो सबसे ज़्यादा ये जूसेस महंगे थे, $30 के आज आए हैं, सब कुछ $30 के अंदर अंदर आया है, क्योंकि इनके कहने पे दो चीज़ें ली हैं हमने। और इस कार्टून था भाई कहाँ जला है। थैंक यू मैम, थैंक यू, यू टू। ग्रोसरी थोड़ी सी लेने के बाद अब आए हैं हम वॉलमार्ट में। यहाँ बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो उनके जितनी भी स्टेशनरी और सिलेबस के जो किताब हैं वो सारे यहाँ से मिलेंगे। तो एक पूरी पूरा जो है ना चार्ट होता है जो ये बना के देते हैं, लिस्ट बना के देते हैं कि ये बुक्स चाहिए बच्चों को, वो लेने आए हैं। अब उसका देखते हैं कितना खर्चा आता है। पिछले साल तो कम आया था, शायद इस दफ़ा बुक्स जो है वो थोड़े से महंगे हो गए हों तो वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ इन्होंने पूरा सजाया है जहाँ से ये स्कूल की जो भी बुक्स हैं और स्टेशनरी है वो ली जाती है, वो सब उन्होंने अलग सेक्शन, इन्होंने सीजनल ये होता है सारा, वो इसको सजाते हैं। ये पूरा सेक्शन इन बच्चों का है, जो भी स्कूल अभी खुलेंगे उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलती हैं। तो सीजनल ये समझेंगे एक बहुत बड़ी इनकी शॉपिंग होती है तो उनका सेक्शन पूरा अलग होता है। अब जैसे त्यौहार कोई आएगा उसका ये पूरा सेक्शन सज जाएगा। कभी मेरे ख्याल में कौन कौन से इनके त्यौहार होते हैं, 4 मई का होगा तो 4 मई के झंडे लगेंगे, इसके साथ इनकी जो ईदें होती हैं, क्रिसमस होती हैं तो क्रिसमस के लिए यहाँ ये सजाते हैं। तो ये जो है ना इंटर होते ही यहाँ बुक्स ही बुक्स पड़े हुए हैं, काफ़ी महंगे आते हैं, सब चीज़ें चाइना की हैं लेकिन यहाँ इनकी प्राइजेस डबल हो जाती हैं। फिर भी वो लूट मार नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट स्कूल लूटते हैं ना, कि इस जगह से जाके लेना है और ये वाली बस जो है यूनिफॉर्म चाहिए और वो कंपनी कौन सी हो, वो लूट मार यहाँ नहीं है। यहाँ आपकी मर्ज़ी है जहाँ से भी जाके ले लो, उन्होंने आपको लिस्ट दे दी, लिस्ट को देख के आप बुक्स ले आओ। तो ये वॉलमार्ट वाले सीजनली ये रखते हैं और अभी भी देखें बुक्स आ रही हैं, पेंसिल किताबें सब कुछ आ रही है। बच्चों की इतनी सारी चीज़ें हैं ना, सर घूम जाता है कि कौन सी चीज़ लेनी है। और अलग अलग किस्म के नाम हैं भाई, स्टैंडर्ड पेंसिल चाहिए, हार्ड कवर बुक चाहिए और बहुत सारे नाम हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैं। इतने सारे बुक्स वगैरह और स्टेशनरी ले लिए, अभी हम बिलिंग कराने जा रहे हैं, देखते हैं कितना बिल आता है आज का। काफ़ी महंगे हो गए हैं किताब और स्कूल बुक्स वगैरह। ओए होए होए होए, यहाँ ये सारे बैग हैं बच्चों के, क्वालिटी कोई ख़ास नहीं है लेकिन बच्चे इनके कलर देख के ही बस बोलते हैं ये लेके दो ये लेके दो, तो उनको मना भी नहीं कर सकता ना। ओके, 63.99 भाई, देखो तकरीबन $64 हम पे कर रहे हैं और अभी तो बहुत सारी चीज़ें कम हैं, वो बाद में लेनी है। ये इधर इतना ख़र्चा होता है भाई, ये देख रहे हो ना, दिल धक धक करता रहता है, इमरजेंसी सायरन बज के बंद हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़ाना के बुनियाद पे देखें ना तो भाई खर्चा है ही है हमारा। जाते हैं ना एक चीज़ लेने के लिए 10 चीज़ें निकल आती हैं, ये तो कॉमन हो गया है। और इस तरह से हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मसला होगा ही होगा, घर पे बैठे बैठे इतने खर्चे। अभी टेबल जो मंगवाई है ना वो आप देखिएगा कितने की है, उसके साथ जो चेयर मंगवाई है ना उसकी प्राइस जो है वो एक है लिखी हुई और उससे डबल उसका जो है आ गया है, कि भाई जो टैक्स वगैरह और वहाँ से डिलीवरी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए उन्होंने। सस्ती चीज़ समझ के मैंने ली और वो मुझे गले में पड़ गई, तकरीबन अच्छा खासा बिल आया है, वो चल के घर में बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह, हम आए हैं केटी में और आज आपको केटी का ब्लॉग दिखाऊंगा, यहाँ जावेद भाई के घर। तो जावेद भाई के पास आते रहते हैं, पहले आए थे जब हमारे पास समंदरी तूफान आया था
तो समंदरी तूफान में बहुत ज़्यादा मसला हुआ, लाइट नहीं थी, तो हम जावेद भाई के पास आए थे और आज दोबारा उसके बाद मिलने आए हैं और अब जा रहे हैं स्विमिंग करने और थोड़ा सा शावर वगैरह लेके नहाएंगे इनके कम्युनिटी एरिया में, तो इंजॉय करें आज हमारे साथ। ये हैं जावेद भाई और इनके ये छोटे बेटे, ठीक है ना, जो हाँ एक ही बेटा बड़ा और मेरी एक बेटी, इनका एक बेटा। तो अब कहाँ जाएंगे, वहाँ शावर लेंगे, मज़ा करेंगे, आज हम घूमने आए हैं सिर्फ। तो ये वाली जो जगह है ना काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त नई कम्युनिटी है। तो आज हमारा अचानक मूड बना, हमने कहा यार अभी जा रहे हैं, बस क्या करें, इधर जब आओ पुलिस ही खड़ी है यार, क्या मसला है सर, कोई इतना क्राइम है क्या इस जगह पे, बहुत ज़्यादा गुजरे दिन। अच्छा ही जा रहा है। हाँ अच्छा। अब आगे क्या है, हो रहा है सब कुछ सही, लाइफ होती है, लाइफ ऐसे ही है, ऊपर यूं नीचे ऊपर नीचे, तो कोई मसला नहीं। टेक्सास और अमेरिका का झंडा एक साथ ही झूल रहे हैं, वाह 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 वाह, बात है भाई। भाई इधर हम भी एंजॉय कर रहे हैं भाई, नहा के शावर लेके इसके साथ, नहाए तो नहीं मतलब के हमने एंजॉय किया फाउंटेन पे और इसके साथ स्विमिंग पूल पे भी गए, ये भी गई, मैं भी गया, जावेद भाई गए और बस हम अभी नहा के जा रहे हैं घर झग और घर जाके कपड़े पहन के। घर कितना प्यारा है। हाँ ये वाला ना, वाह जबरदस्त घर है, किसी और जगह पे। शाम हो गई ना, देखो अब शाम हो गई, सब निकल रहे हैं। चलो चलो आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना। ये अभी खाना वगैरह हमारा तैयार हो चुका है, जावेद भाई के घर मटन और मटन के साथ रोटियां, और अब जो है हम बच्चों को मनाने में पूरे हो गए हैं कि भाई बच्चे आगे खाना खाएं, मच्छर भी अंदर दरवाजे से ना मच्छर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी टेबल आ चुकी है और अमेज़ोन ने ये डिलीवर कर दिया, बाहर ही रख के गए, तो मैं गया था बाहर से अंदर घसीट के इसको लेके आया हूँ। अब ये डेस्क है हमारी, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग डेस्क, और ये देखें हेवी हेवी लिखा हुआ है, तो बहुत हेवी एक चीज़ थी जो आ गई है। अब इसको ज़ाहिर है खोल के फिट करना है, तो मैंने दोस्त को कहा है कि वो आए और ये हमें फ़िट करके दे, तो शाम में देखते हैं जैसे आता है ना, तो इसको फ़िट करते हैं और यहाँ लगाएंगे, ये वाली सारी चीज़ें रिमूव करेंगे, ये चेयर भी हटा देंगे, ये भी ऐसे ही टेम्प्ररी पड़ी हुई हैं, तो इनको सबको हटाएंगे और नई डेस्क इधर लग जाएगी। भाई अभी हमारी टेबल जो है वो बिल्कुल डेस्क तैयार होने वाली है, आमिर चांडियो साहब हैं ये इसको सेट करेंगे, और एक एक चीज़ जो है, हाँ सारी चीज़ें इसी में हैं, इसके अंदर एक और चीज़ पड़ी हुई है, बड़े तहखाने बनाए हुए हैं इन्होंने। ऑलमोस्ट हमारा काम डन होने वाला है, फ्रेम इसका बन चुका है और अब डेस्क पे जो है ना आखिरी वो उसकी सेटअप किया जा रहा है और कुछ जो है ना इसके सपोर्ट लगाई जा रही है। इसमें कुछ और भी होल हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं? ये है हमारा छोटा सा सेटअप, अब इसमें एक चेयर आनी है और एक वॉल सजनी है, इसके साथ लाइटिंग होनी है और ये सारा थीम चेंज होना है, ये बाकी काम है, लेकिन मेन चीज़ ये थी, इसको असेंबल हमने करके यहाँ लगा दिया। बहुत अच्छी चेयर है और डेस्क है इसमें भाई, अभी तो मैं नीचे से ऊपर आया हूँ ना, सांस भूल गई। अब ये सारे इधर कंट्रोल दिए हुए, अब इसको मैं करूँगा, ये तो ये देखें ऊपर हाइट इसकी एडजस्ट हो रही है, कितनी ज़बरदस्त है। तो ये है, और ये लैपटॉप भी नया है, अब इसके ऊपर कोई कपड़ा डालना है, सामान मैंने अपना रखना है, और ये पूरा आपको कुछ दिनों के बाद चेंज आएगा। ये कभी मैंने रखा है सोने के लिए कि कभी खुद सो जाता हूँ या कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो उसके लिए, लेकिन अब इसको भी हम चेंज करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही हम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अब मुझे बहुत ईजी लग रहा है कि और फील आ रही है कि मैं वाकई किसी स्टूडियो में फिर के काम कर रहा हूँ या ऑफिस में। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद और भी चेंजेस लाएंगे, और पीछे आप जो चेयर मैंने मंगवाई है ना वो आप देखिएगा, कमाल की चेयर है, देखते आप भी खुश हो जाएंगे। अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ,
वीडियो एडिट करके रखूंगा, उसको एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे जब ये सारा सेटअप हो जाएगा तब। थैंक यू सो मच।